गाइस, पिछली जो मैंने रेंडम स्ट्राइकर चैलेंज वाली वीडियो अपलोड की थी, वो वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। उस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे कि जामोड़ भाई इसका पार्ट टू अपलोड करो। मैंने सोचा जब भाई वो वीडियो देखने में आप लोगों को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो क्यों ना इसका एक और पार्ट भी अपलोड किया जाए। तो फाइनली मैं आप लोगों के लिए आज की इस वीडियो में दोबारा से रेंडम स्ट्राइकर चैलेंज करने वाला हूँ। इस चैलेंज के अंदर गाइस होता यह है कि हम लोग एक रेंडम चेस्ट ओपन करते हैं, जिसके अंदर जो भी स्ट्राइकर और पक्स निकलते हैं उनके साथ हमें गेम प्ले करना होता है, उनको यूज़ करके और मैच विन करना होता है। हमारा चैलेंज ये है और हमें वीडियो को बीच में से कहीं पर भी कट नहीं करना, ये भी एक चैलेंज है भाई। वीडियो को कट किए बगैर हम लोगों ने अपलोड करना होगा। तो स्टारलाइट स्ट्राइकर और वॉयलेट स्ट्राइकर निकला है। वॉयलेट स्ट्राइकर एक अच्छा स्ट्राइकर है, अगर इससे खेलेंगे तो चैलेंज थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, इसलिए वॉयलेट स्ट्राइकर से मैं नहीं बल्कि स्टारलाइट स्ट्राइकर से खेलूंगा, ताकि चैलेंज थोड़ा सा डिफिकल्ट रहे। और वॉयलेट स्ट्राइकर तो आई थिंक पिछले वाले चैलेंज में भी था ना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो पक्स हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिए, लाइम पक्स, क्योंकि चेस्ट के अंदर ये भी निकले थे। और स्टार लाइट स्ट्राइकर ये रहा भाई, स्टार लाइट स्ट्राइकर को भी यूज़ कर लेते हैं। और गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, इस रेंडम स्ट्राइकर चैलेंज का पार्ट 3 भाई वेटिंग में है। पार्ट 3 भी बहुत ही जल्दी मैं अपलोड करूंगा। और मज़े की बात मैं आपको बताता हूं, वो इन दोनों वीडियो से अलग है, बल्कि यूट्यूब पर जितनी भी रेंडम स्ट्राइकर चैलेंज की वीडियो है ना, वो सबसे ज़्यादा यूनिक होने वाला है, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैं जो भी करने वाला हूँ ना, वो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। जी हाँ गाइज, हिंट वैसे मैंने आप लोगों को अपनी एक वीडियो के अंदर पहले ही दे दिया था, देखते हैं कौन लोग पकड़ पाते हैं उसको। बाकी यहाँ पर पहला मैच हम लोगों ने जो मुंबई अरीना के अंदर खेला है, उसके अंदर रन जो है वो हमारे ओपोनेंट को मिली है, ब्रेक भी उसने काफ़ी अच्छा किया है, और मज़े की बात यह कि वो हमारा सब्सक्राइबर भी है। तो यहाँ पर से मुझे लगता है कि भाई ये फिनिश कर देगा, क्योंकि सारे पक्स जो है वो इसके ओपन है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर से ये मैच लीव कर देते हैं। और वैसे भी भाई हमारा सब्सक्राइबर भी है, और सच बताऊँ तो टाइम भी नहीं था हमारे पास इतना ज़्यादा वेट करने का। तो एक चीज़ यार, मैं अपना फ्रेम चेंज करना चाहता हूँ, ये फ्रेम थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे। हम लोग अपना फेवरेट जो फ्रेम है ना भाई, वो यूज़ करके यहाँ पर अभी गेम प्ले करने वाले हैं। तो यहाँ पर से दूसरा मैच अगेन से हम लोगों ने मुंबई अरीना के अंदर लगा दिया है, और देखते हैं दूसरा मैच किसके साथ लगता है। इस बार ट्रन भी हमें मिलने वाली, क्योंकि पिछली बार ओपोनेंट को मिली थी, आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ पर ट्रन भी हमें मिली और ब्रेक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिला है। तो यहाँ पर से टॉप राइट के अंदर हम लोगों ने ब्रेक भाई बॉटम लेफ्ट डबल मतलब बढ़िया हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं खेलने वाला हूँ बॉटम राइट में, इससे हमारे ऊपर वाले पक्स भी काफ़ी हद तक ओपन हो जाएंगे। और बहुत सारे पक्स ओपन हुए भाई, ऊपर टॉप लेफ्ट में भी दो पक्स जा चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं एक कनेक्शन शॉट खेलने लगा हूँ बॉटम राइट के अंदर, जो कि मिस हो गई, लेकिन लकी शॉट लग गई ऊपर टॉप राइट की तरफ, अच्छा है। तो यहाँ पर उसके बाद मैं खेलता हूँ टॉप राइट में, बीच वाले दोनों पक्स ओपन करना चाहता था लेकिन नहीं हुए, लेकिन उनको मैं कनेक्शन शॉट टॉप लेफ्ट में खेल सकता हूँ। ये क्या बोल रहा है भाई, मुझे ये हिंदी में बोल रहा है पता नहीं, मुझे तो पढ़ने नहीं आ रही भाई। आप लोगों में से अगर किसी को समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट्स कर देना। तो ये इतना भाई आपको पता होना चाहिए, अगर आप मुझे जानते हैं, कि भाई मुझे तो ये हिंदी पढ़ना नहीं आता भाई। बोलने की बात अलग है, लेकिन पढ़ने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और यार इसके चक्कर में शॉट भी मिस हो गई, चलें कोई बात नहीं। यहाँ पर जो ट्रन है वो हमारे ओपोनेंट के पास जा चुके हैं, और मुझे लगता है कि भाई वो ये वाला मैच फिनिश करने लगा है। तो पता नहीं इसने, देखें अब ये मैसेज नहीं करेगा, यही हरकतें मुझे इन लोगों की बहुत मतलब बुरी लगती हैं। हालांकि हमारे सब्सक्राइबर भी होते हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे होते हैं, भाई मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, बिग फैन, ये वो, आपकी वीडियो अच्छी लगती है, आप जवाब नहीं दे रहे। जब ट्रन उनके पास जाती है ना, तो फिर भाई उनकी तरफ से एक मैसेज भी नहीं आता। भाई अगर आप वाकई में लॉयल सब्सक्राइबर हैं, तो फिर भी आप मैसेज करके दे, मैसेज करें ना भाई आपके क्या हाल हैं, जब ट्रन आपके पास हो तो फिर पता चलता है। तो यहाँ पर से गाइज ओके, यहाँ पर इसने शॉट मिस कर दी भाई, बहुत ही ईजी सी शॉट थी, और इस भाई ने मिस कर दी जल्दबाजी के चक्कर में। तो यहाँ पर से हम लोग ये वाला मैच विन कर चुके हैं। दो मैचेस हमने खेले हैं, जिनमें से पहला हमने गिव अप कर लिया था, जो कि हम लोग हार चुके थे, दूसरा मैच हम लोगों ने विन कर लिया है। अब यहाँ पर से गाइज तीसरा मैच भी हम लोग खेलने वाले हैं मुंबई अरीना में। तीसरे मैच से यहाँ पर फैसला हो जाएगा, क्योंकि रेंडम स्ट्राइकर चैलेंज की वीडियो के अंदर नॉर्मली हम लोग दो या तीन मैचेस खेला करते हैं। अगर दोनों पहले मैचेस विन कर जाएँ तो ठीक है, नहीं तो हम तीन मैचेस खेलते हैं, तीन में से दो मैचेस हमें विन करने होते हैं। तो यहाँ पर तीसरे मैच के अंदर जो ट्रन है, ऑब्वियस सी बात है, ओपोनेंट को ही मिलनी थी। तो काफ़ी बढ़िया मतलब ख़तरनाक शॉट्स खेल रहा है हमारा ओपोनेंट। वैसे ये शॉट इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी, क्योंकि इसके अंदर शॉट ऑलरेडी कनेक्शन शॉट बनी हुई थी, बस उसको हिट करना था। लेकिन ये शॉट परफेक्ट खेलिए भाई, इसने परफेक्ट शॉट खेलिए भाई, मुझे डर लगने लगा है कि भाई ये कोई थर्ड पार्टी यूज़र नहीं है भाई। चलें अच्छी बात है यार, इसने शॉट मिस कर दी और स्ट्राइकर फाइनली अपने पास आ चुका है। और इस बार हम लोग कोई गलती नहीं करेंगे, पिछली बार लास्ट शॉट के साथ हमने गलती कर दी थी,
अब ये देखो इसकी हरकतें देखो यार, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और इसके चक्कर में काफ़ी बार मैं शॉट मिस कर देता हूँ। लेकिन इन लोगों के साथ मैं क्या करता हूँ पता है आपको, इनका मैं सिर्फ एक ही इलाज करता हूँ भाई, इनको ऐसा ब्लॉक कर दो जान, मतलब ये जो करते रहे घंटा कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ेगा, इनको करने दो भाई, आप बस इनको ब्लॉक कर दो, फिर इनका कोई भी मैसेज आपको शो नहीं होगा। ये लोग बहुत तंग करते हैं भाई, अपनी टर्न ले लेते हैं लेकिन जब ओपन की बारी आती है तो उसको तंग करते हैं यार। इनका इलाज यही है कि भाई आप इनको जो है वो ब्लॉक कर दें। अगर आप सारे मैसेज सेटिंग से ब्लॉक नहीं करना चाहते तो सिर्फ इनकी प्रोफाइल पर क्लिक करके आप इनको ब्लॉक कर देंगे तो इनका कोई भी मैसेज आपको शो नहीं होगा। अब यहाँ पर इस शॉट से मैं बॉटम लेफ्ट वाली पग को निकालना चाह रहा था लेकिन वो नहीं निकली, वो थोड़ी सी फंसी हुई है, तो वो अब उस शॉट को इनडायरेक्ट ही खेलना पड़ेगा, डायरेक्ट हम उसको नहीं खेल सकते, इनडायरेक्ट बॉटम लेफ्ट में खेलना पड़ेगा। तो ये लास्ट शॉट है, आई होप ये शॉट लग जाए और ये बिल्कुल परफेक्ट शॉट भाई, 100% परफेक्ट शॉट लगी और इसी के साथ हम लोग यहाँ पर एक और मैच भी विन कर चुके हैं। बाकी वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना और पार्ट 3 के लिए आप लोग ज़रूर वेट करना, उसके लिए उस मतलब वीडियो में आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।